समिति का जो समय शोभा यात्रा निकल रहा है, तभी से 2010 से यह मंच कंटिन्यू डालते आ रहे हैं। यह मंच भारतीय जनता पार्टी उस समय के नाम पे था, इलेक्शन कोड रहने की वजह से श्रीराम स्वागत मंच का यह कार्यक्रम यहाँ पर जुगराजदार रानी अवंतीबाई के पास, लाल सिंह, मैं, पार्षद गोशामेल और मेरे मित्रगण साथी भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता सभी के सहयोग से, सभी के मेहनत से या हम राम जी के जितने भी भक्त यहाँ पर हैदराबाद आते हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए हृदयपूर्वक स्वागत करते हैं। रामनवमी के शुभ अवसर पर जितने भी उपस्थित आते हैं बहने बंधुआएँ, जितने भी यहाँ पर भव्य शोभा यात्रा में उपस्थित है, उन सभी को बारी बारी में प्रणाम करते हुए नमन करता हूँ। जय श्री राम बोलता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। चार से पाँच लाख आती है, स्टार्टिंग से लेके चौपाटी गार्डन हो या रानी अवंती बाई, वहाँ से जो शुरू होता है आकाशवाणी हनुमान मंदिर से, वहाँ से शुरू होते हुए हनुमान नाम चला गया था। कम से कम 4-5 लाख लोग आराम से शोभा यात्रा में शामिल होते तो एक झांकी था। अभी हम काशी मथुरा बाकी है, ये पहला वर्ष है। 500 साल के बाद जो ये पहला वर्ष ऐसा आया है, हम रामनवमी भव्य शोभा यात्रा धूमधाम तरीके से मना रहे और हमें खुशी है। अयोध्या में रामलला के पूजा पाठ विधि विधान से हो रही है और हम भी यहाँ पर हमारे साथियों के साथ 120 लोगों को मिलकर हम 27 तारीख को यहाँ पर अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए हम जा रहे हैं। जनवरी को जो अयोध्या में राम जी की स्थापना हुई है, इसके बाद सारे देश में एक राम नेव राम भय हो गया है। हर घर घर में, हर गली में, हर चौराहे पे, हर बस्ती में राम नाम का जाप किया जा रहा है। आज रामनवमी के उपलक्ष्य में मैं यहाँ पर भाग्यनगर के कोने कोने में फिर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि हर जगह पे राम जी की मूर्ति वगैरह बिठाकर रामनवमी का जो उत्सव जिस तरीके से हर महिलाएं, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो उत्सव से ये मना रहे हैं, ये पहली बार हमें देखने लगना मिल रहा है। क्योंकि वहाँ पर अयोध्या में जो राम जी की मूर्ति की स्थापना हुई है, उसके बाद सारा देश राममय हो गया है और आने वाले समय में ये राम राज होने वाला है हमारे देश में, ऐसी सभी की भावना है। और सब ये चाहते हैं कि पिछले 500 साल में जो नहीं हुआ, पहली बार जो राम मंदिर में राम जी की पूरी मूर्ति की स्थापना हुई है, इसलिए 500 साल में जो कार्य नहीं हुआ पहली बार हुआ है, उससे हर भगत राम भक्त के मन में बहुत बड़ा उत्साह है। वो अपने उत्साह को लेकर आज पहली बार रामनवमी को देखिए, 4 से 5 लाख पब्लिक गोशामेल हमारे पूरा पुराने पुल से गोशामेल तक रोटी से होते हुए वहाँ पर देखिए, एक पैर रखने के लिए जगह नहीं है। इतनी पब्लिक कहाँ से कोने कोने से यहाँ पर आके रामनवमी के जुलूस में भाग ले रहे हैं। मैं उन सभी राम भक्तों का हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। Thank you.